देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। प्रदेश में भी ईद उल अजहा का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी ईद के नमाज के दौरान लोगों ने देश की खुशहाली और कोरोना से बचाव की दुआ मांगी। आज ईद का दिन है, ईद उल अज़हा, जो हम अहले ईमान के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अहम दिन है। आज के दिन हमारे यहाँ मस्जिद कच्चा टैंक में ईद की नमाज़ अदा की गई है और इस मुल्क को तरक्की दे और जो वबाएँ इस वक्त दुनिया के अंदर आ रही हैं, इस दिन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बलाओं से, परेशानियों से महफूज फरमाए, जो हमारे सबको शिफा नसीब फरमाए। चंबा जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जहां मस्जिदों में नमाज अदा की गई, वहीं कोरोना संकट के चलते कई लोगों ने घरों में ही परिवार के साथ ईद की खुशियां मनाई। हमने घर में ही इस ईद का त्यौहार को मनाया है ताकि भीड़ भाड़ की वजह से हम ना ही मस्जिद जा सके और ना ही कहीं बाजार जा सके, जिस कारण हमने ईद का त्यौहार है वो अपने घर में महफूज तरीके से मिलाया है। ईद के चलते ही आज हमने ईद अपने घर पे ही मनाई है, क्योंकि कोरोना के चलते हम कहीं बाहर नहीं जा पाए, हमने नमाज घर पे ही पढ़ी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा की बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये त्यौहार प्रेम और भाईचारे के बंधन को अधिक मजबूत करेगा।